फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके चैप्टर सिक्स स्टार्ट किया, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। इसके अंदर हमने क्वेश्चन के अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए और कुछ प्रॉपर्टीज थी फैक्टर की एंड कॉमन फैक्टर्स और हमने कंप्लीट किए बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज आ रही है सिक्स ए, वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सिक्स ए, सिक्स ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग और यस या नो में आंसर देना अपन को। पर क्वेश्चन अपन कंप्लीट सॉल्व करेंगे, चेक करके यस और नो के आंसर देंगे। आंसर द फॉलोइंग फॉलोइंग फर्स्ट नंबर दे रखा है इज फॉर ए फैक्टर, फोर ए फैक्टर ऑफ 36 का फोर फैक्टर है क्या? इसमें अपन को यस या नो के अंदर आंसर देना। किसी फैक्टर को अपन यस और नो के अंदर इसमें फाइंड करेंगे। यदि फोर से ये कंप्लीट 36 के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, आपके यस हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 36 अपॉन फोर इसे डिवाइड करते हैं तो 36 के अंदर फोर से डिवाइड करेंगे कितना टाइम होता है, फोर नाइन से कितना होते हैं, फोर के टेबल नाइन टाइम में 36 आते हैं, तो ये कितने टाइम कैंसिल हो रहे हैं, नाइन टाइम। ओके, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट आपके सेकेंड क्वेश्चन बी, इसी का फर्स्ट का बी वी के अंदर दे देगा इज एट ए फैक्टर फैक्टर ऑफ 91 का एट ए फैक्टर है क्या, इसमें ये अपन को फाइंड करना है। तो सेम ही मेथड यूज लेना है, इसी में कोई मेथड चेंज नहीं, क्या मेथड हो जाएगा इसी के अंदर, 91 के अंदर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ऐसे इसको डिवाइड करके भी 91 और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 का, ओके 1 फिर 1 फिर कितने टाइम, फिर वापस 1, 8 माइनस करेंगे कितने 3, तो यह रिमाइंडर कितना आ गया, 3 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपके आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 कैसे, 91 का फैक्टर 8 नहीं है। ओके, नॉट कीजिए। फिर नेक्स्ट आपके इसका सी, सी के अंदर आपके सी दे देगा इज 23 ए फैक्टर ऑफ 115। ओके, 115 का 23 फैक्टर है क्या, 23 की टेबल 5 टाइम नोट करेंगे तो उसमें अपन को कितना मिल जाएगा, 115 मिल जाएगा, 23 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 115 अपॉन 23 कितना टाइम, 5 टाइम, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस। ओके, यस 23 इज द फैक्टर ऑफ 115। नेक्स्ट आपके हैं क्वेश्चन टू, टू नंबर क्वेश्चन के अंदर है यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हमने कल फैक्टर फाइंड करना सीखा था टू मेथड से, एक तो हमने कौन से डिवीजन मेथड, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपन को क्या करना है, इसका फैक्टर फाइंड करना। ओके, जो नंबर गिवन दे रहे होंगे उनका फैक्टर फाइंड करेंगे। जैसे नंबर टू यूज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड फैक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें आप, नोट कंप्लीट करना। ओके, फर्स्ट दे रहे का आपके इसका एज 48, ये आपके एक्स है, ये आपके 78 पेज से है। ओके, 78 पेज से है, 48 का क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, इसका एक तो फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 1 को अपन मल्टीपल करेंगे किसके, 48 से, तो अपन को क्या मिलेगा, 48 ही मिलेगा। ओके, तो इसका एक फैक्टर कौन सा हो गया, 1। नेक्स्ट 2 को मल्टीपल कर सकते हैं 24 से, तो 24 2 से कितना होता है, 48। तो दूसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा इसका, 2। फिर नेक्स्ट 3 मल्टीपल, 3 को अंदर किससे मल्टीपल करोगे, 16 से, 16 3 का कितना होता है, 48। तो ये आपके हो जाएंगे 3, इसका एक और फैक्टर 4, 4 को किससे, 4 12 जा 12 4 जा, ये 4 12 जा कितना होता है, 48। नेक्स्ट 6, 5 से होता नहीं है, 5 के टेबल में लास्ट डिजिट कभी भी 8 नहीं आता, फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा आपके, 6 मल्टीपल 7 से होता नहीं है, किसका हो जाएगा, 8 6 8 से कितना होते हैं, 48। ओके, यही आपके होंगे। तो कौन कौन से इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर आपके हो गए, फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8, फिर वापस 12, फिर 16, 24 और इट्सेल्फ नंबर कौन सा है, 48। ओके, नॉट गिवन, ये आपके इनके फैक्टर हो जाएंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड का बी, जिसके अंदर दे रहेगा 55 सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बी 55। ओके, 55 को 1 से मल्टीपल कराएंगे तो अपन को क्या फाइंड होगा, 55 ही होगा। ओके, नेक्स्ट 5 से मल्टीपल कराएंगे किसको, 11 से, तो अभी अपन को क्या होगा, 55। तो इसके फैक्टर कौन से होते हैं, 1 5 11 और इट्सेल्फ 55। तो फैक्टर 1 5 11 और 55 नोट कीजिए। और बी नंबर के आंसर 1 5 11 55। नेक्स्ट आपके हैं इसका सेकेंड का सी, जिसके अंदर आपको नंबर से गिवन 42 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके,
यस क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सी आपको होमवर्क में करना है, सेल्फ 42 का फैक्टर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थर्ड, फाइंड आउट इफ द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, कि फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का चेक करना कि फैक्टर ये या नो है, फाइंड आउट करना। तो ओके, फर्स्ट नंबर ए के अंदर दे रहेगा 14 और सेकेंड नंबर दे रहेगा 112। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट इफ द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। ओके, सॉल्व करते हैं। ए के अंदर नंबर दे रखा है 14 और सेकेंड नंबर दे रखा 112। 14 फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर 112। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का फैक्टर यस है या नो, यह फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, तय करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके 112 के अंदर 14 से डिवाइड करते हैं। यदि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो अपन इसको 112 का फैक्टर हो जाएगा कौन सा, 14। ओके, तो डिवाइड करते हैं 14। ओके, कितने टाइम हो जाएगा 8 टाइम हो रहा है। ओके, 14 8 से कितना होता है, 14 5 जा होता है 70, फिर 14 6 जा होता है 84, फिर 14 7 जा और 14 8 जा हो जाएंगे आपके 112। ओके, तो इससे कितना टाइम, 8 टाइम, रिमाइंडर 0, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, इसके इक्वल में कितना आ रहे हैं, क्वेश्चन है 8, तो आंसर हो जाएगा यस। नोट कीजिए, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बी, बी के अंदर दे रही का फर्स्ट नंबर 27, सेकेंड नंबर दे रही का 190। ओके, तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे सेकेंड नंबर के अंदर, कंप्लीट डिवाइड इसके अंदर नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, 190 अपॉन 27 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको क्या आंसर हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड का सी 28 फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर 476, ये आपको सेल्फ करना है होमवर्क में। क्या करोगे, 476 के अंदर डिवाइड करोगे किसका, 28 से डिवाइड कंप्लीट होगा और इसका आंसर भी क्या आएगा, यस आएगा। ओके, ठीक है, आंसर क्या आएगा, यस, और आपको खुद को सेल्फ होमवर्क में करना है।
ओके आंसर आपको इसका यस मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स गिवन है, उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, राइट ऑल द फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ, ये नंबर दे देगा 45, ओके 45 के फैक्टर फाइंड करने। तो 45 आपकी कौन सी टेबल में आ रहे हैं वो उसका आपके क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ओके 45 किसकी टेबल में आता है, आपके 1 तो आते ही हैं 1 की टेबल के अंदर, फिर 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, और किसकी टेबल से आ रहा है, 3 की टेबल में, कितने टाइम, 15 टाइम। ओके फिर नेक्स्ट 4 की टेबल में भी नहीं आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं, 5, फिर 6, 7, 8, 9 की टेबल में कितने टाइम, 5 टाइम, फिर नेक्स्ट 15 की टेबल में, फिर इटसेल्फ 45, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। ओके 1 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में 3, 15 कितना, 3 और 15 का मल्टीपल 45, तो 3 इसका फैक्टर, 5 और 9 का मल्टीपल कितना होते हैं, 45, तो 9 और 5 दोनों फैक्टर हो जाएंगे और 45 इटसेल्फ हो जाएंगे। ओके नोट कीजिए, नेक्स्ट बी इसका पार्ट है, बी नंबर में आपको दे रखा है 84, 84 के फैक्टर्स फाइंड करने, 84 कौन कौन टेबल्स में आ रहे हैं वो आपको नोट करना होगा। 84 1 की टेबल में फैक्टर्स आते हैं, 1, 3, 2, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी हो रहा है, 3 से कैसे, 8 और 4 को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 12, 12 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 के आफ्टर में 4, 4 से हो रहे हैं, 5 से नहीं है, 6 से हो रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है वो 6 से भी हो गए। ओके फिर नेक्स्ट 7 से, 7 से नहीं हो रहे हैं, 7 से हो रहे हैं, ओके 7 भी इसका फैक्टर है, फिर 8 नहीं, 9, 10, 11, 12, 12 इसका फैक्टर है, 12 कैसे, 12 को मल्टीपल करेंगे 7 से, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कितना हो जाएंगे 12 के बाद में, 14, 14, 14 के बाद में 15, 16 नहीं होते हैं, 17 भी नहीं, 18 नहीं, 19, 20, 21 और कौन से फैक्टर होंगे, 42 और 84 इटसेल्फ। नोट कीजिए, इतने फैक्टर आपको मैंने नोट करा दिए। ओके बहुत ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे इसके, ये करते इतना आपको नोट देने के अंदर 4-5 फैक्टर होते हैं वो बुक सफिशेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके सी, सी के अंदर दे रखा 56, सी के अंदर दे रखा 56 नंबर है, और इसका क्या पढ़ना है, फैक्टर्स फाइंड करना। तो 56 किस किस की टेबल में आ रहा है वो आपको नोट करना, 1 की टेबल, 2 से डिवाइड हो रहा है कैसे, इवन नंबर है, फिर 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, नेक्स्ट किस से हो रहा है, 6 से नहीं, 7, 8,
और किससे हो रहा है? 56 6 की टेबल वाइज, 7 की टेबल मतलब 7 8 जा 56 और 8 की टेबल में 7 8 जा 56, फिर 9 की टेबल नहीं, 10 की भी नहीं, 11 12 13 और 14 15 16 की टेबल में नहीं आते हैं, 17 की टेबल में नहीं, 18 की भी नहीं, और डायरेक्ट आपकी किसकी टेबल में आ रहे हैं? 23 और 56 इटसेल्फ। ओके, इटसेल्फ नंबर तो होते ही हैं फैक्टर्स। नोट कीजिए, नेक्स्ट है डी क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर, जिसके अंदर आपको नंबर दे रखे हैं 108 108। आप खुद इसका फैक्टर फाइंड करेंगे, ए बी सी मैंने करा दिया, इसका एक आपको होमवर्क में करना है, 108 का फैक्टर फाइंड करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 और 6 जो नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, जो होमवर्क में मिला है क्वेश्चन वो डेली के डेली आप नोट और सॉल्व करते रहे क्लास और होमवर्क, ताकि आपको ज़्यादा बार नहीं है।